हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूं आपको साहित्यकार सम्मान समारोह में, जिसे आयोजित किया था इरोस कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद ने। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा, श्रीमती कमल कपूर और डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी को सम्मान। आप यहां आए हैं, शायद आप वो चीज महसूस नहीं कर पा रहे होंगे जो हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे रोशनी हो गई है पूरे घर में, जिसको चानन कहते हैं ना पंजाबी में, चानन हो गया है आपके आने से। तो तनेजा साहब, आप आइए प्लीज। तनेजा साहब, मैं एक वाक्य जरूर बोलूंगी, पूरा विश्व घूम लीजिए, हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं। बहुत ये मेरा अपना अनुभव है, पर आप भी यही अनुभव। सहमत। बहुत शुक्रिया। वापस न भी आए, वहीं भी रह जाए, तो भी देश को ही याद करते रहेंगे, ये तो निश्चित है। इससे बढ़कर कोई देश, ये हमारा कंफर्ट जोन है, हमारा रूम होता है ना। यहाँ जो सुख है ना, यहाँ जो सुख है, जो अपनापन है, दिखावा रहित, वो सबसे बड़ी देन है, वो सबसे बड़ी देन है। तो हम हिंदुस्तान की इस सिरमौर शख्सियत को हिंदुस्तान में आप सबके माध्यम से स्वागत करना चाहते हैं। रोज इसमें से उसका हाथ लगाओ और आकर दुर्गा जी को समर्पित करो। आप लोगों का इतना, सभी जगह आ भी जाओ, खुश आए हिंदुस्तान की तरफ से, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत तो रोजे कमल जी को आप फूल भेंट करें और तनेजा साहब आप आइए प्लीज। आप आ डालो, इधर से डालो, आ जाओ, ध्यान से प्यार ना कर जाए। आ जाओ एल्विस, रोजे रोज पीठ ना करो ना, बहुत आभारी हो, कर सकते हो। तनेजा साहब, आपसे गुजारिश है कि कमल जी को ये हम सब की तरफ से ये भेंट देंगे आप, और अब जैसे माथे का तिलक होता है ना, हमारे माथे का तिलक जिसको मैं महसूस करती हूँ, अंजू दुआ जैमिनी। अंजू जी आप आइए, और रोज आप अंजू को ये रंगारंग जानदार शानदार फूलों का हार पहनाइए, और डॉक्टर आप इनको ये पुष्प भिगाइए। ये सबकी तरफ से है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुदा का भी। कलम की दुनिया के, साहित्य की दुनिया के बड़ी मशहूर हस्तियां, मशहूर कलाकार यहां मेरे घर में, इस प्रांगण में मौजूद हैं। खुदा का भी शुक्र है, आपका भी शुक्र है, आप यहां मौजूद हैं। मतलब आपकी तरंगे बता रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और फिर जब मेरी बारी आएगी, मैं मेरा उनके साथ प्रॉमिस हुआ है, सभी को सुनाना है, चलो फिर भी सुना देते हैं। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम, आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम, हम खुश हुए
फिर एक गाने के साथ फिर हाजिर होंगे। साथ साथ नृत्य का कार्यक्रम भी हुआ। इसमें नन्ही बालिका ने बहुत सुंदर डांस किया और ये फिल्मी गीत था। इस पर इसने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए बच्ची ने। देखिए, आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर भी इस तरह नृत्य कला जो विकसित होती है, ये बच्चों की एक ही अभिव्यक्ति का ये एक माध्यम है। जिस तरह साहित्यकार कलम के माध्यम से अपनी बात कहता है और जो लोकगीत हैं, लोक संगीत हैं और ये जो नृत्य हैं, ये अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, ये खुश रहने का एक तरीका है। उतरे ना एक पल भी हैंगओवर इसका, दिन डूबे या शाम ढले, हाय बाय सी जिंदगी, हाय बाय सी जिंदगी, हाय बाय सी। सुनाई ना चाहे पे। और इस तरह बहुत ही एक खुशनुमा शाम थी। कार्यक्रम के अंत में जलपान का प्रबंध किया गया था। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।